सकते हैं, एक तो ये अपना d5 by dt वाला, दूसरा क्या होता है मोशनल ईएमएफ। अब मैं अगला मेथड से समझाता हूं, मेथड टू। मोशनल ईएमएफ, ठीक है, तो हमारा जो मोशनल ईएमएफ से भी रिजल्ट आना चाहिए वो आना तो सेम ही चाहिए ना, भले ही हम लोग d5 by dt से जाएं या फिर बीएलवी से जाते। अगेन देखो बात वही रहेगी कि पोल्स को स्टेशनरी मान के घुमाना किसे पड़ेगा, कॉइल को। अब हमने ये माना था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, साइनसोइडल माना था, तो हमने इसको कोसाइन से दिखाया था कि पोल में मैक्सिमम वैल्यू आती है, कितनी वैल्यू आती है, ये आती है बी एम। 0 डिग्री पे नॉर्थ पोल था, फिर 180 डिग्री पे हमारा साउथ पोल था, फिर अगेन क्यू एक्सिस पे 0 हो गया था और फिर वापस 2π पे मैक्सिमम हो गया था। ये हमारा बी का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब मैं क्या कहता हूं, जब ईएमएफ निकालते हैं तो बी एल वी से निकाला जाता है, और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि ईएमएफ का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन एनी कंडक्टर follows the same variation as B. मैंने DC मशीन में एक बात बोली थी, जो B का ग्राफ होता है वही ग्राफ किसका होता है, EMF का, in any conductor. अब देखो A वाला conductor कहाँ रखा है, 0 पे, और A dash वाला conductor कहाँ रखा है, पाई पे, ऐसे रखा है ना, A वाला 0 पे और A dash वाला पाई पे। अब जब ये rotor आगे घूमेगा तो ऐसा भी तो मान सकते हो कि कॉइल पीछे जा रही है, कॉइल पीछे जा रही है माने कॉइल का मोशन इस तरफ है, ए और ए डैश का। तो ए कौन सा वेरिएशन फॉलो करेगा, अगर ए में ईएमएफ निकालते हो ई ए, जैसे जैसे बी वेरी करेगा वैसे वैसे उसका ईएमएफ भी वेरी करेगा। तो ए का ईएमएफ पहले मैक्सिमम रहेगा, फिर कम होगा, फिर नेगेटिव, फिर इस तरीके से, बात समझे। देखो ए जैसे जैसे पीछे जाएगा, पहले बी एम पे था ना, फिर पीछे गया, कम होता गया, कम होता गया, जीरो पे आया, फिर नेगेटिव में चला गया, तो ए का ईएमएफ कम होता गया, नेगेटिव गया, फिर वापस पॉजिटिव। अब ऐसे ही ए डैश का बताना जरा, ए डैश का ईएमएफ क्या होगा, ए डैश का शुरुआत में देखो सबसे नेगेटिव था, ए डैश शुरुआत में कहां पे था, साउथ पोल में था ना। अब ये किस तरफ जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, क्योंकि हमने कॉइल को कैसे माना है घूमते हुए, एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से समझना, ये रोटर जब क्लॉकवाइज घूम रहा है तो रोटर को स्टेशनरी मान के कॉइल को एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो ये ए डैश वाला तो राइट में जाएगा। ए डैश वाला जब इस तरफ जा रहा है तो पहले मैक्सिमम नेगेटिव पे था, फिर धीरे धीरे कम होता जाएगा, पाई बाई टू पे आके जीरो हो जाएगा, फिर बढ़ने लगेगा, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम जाएगा, इस तरह से चलेगा। तो ए डैश का जो ईएमएफ है वो ए से जस्ट अपोजिट है। अब मैं कहता हूं कि ई ए डैश इक्वल टू माइनस ई ए, तो अगर एक कॉइल का ईएमएफ निकालना है तो दोनों के ईएमएफ का डिफरेंस लोगे तो ये ट्वाइस द ईएमएफ इन Each coil side आ जाएगा। तो एक पॉइंट ये भी लिखो, द ई एम एफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल साइड फॉलोज द सेम वेरिएशन एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन स्पेस, एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इन स्पेस। सीधी सी बात है भाई, किसी भी कंडक्टर में, किसी भी कॉइल साइड में कितना ई एम एफ बनेगा, बी एल वी। तो जैसे जैसे ट्रेवल करते हुए बी बदलेगा वैसे वैसे उसमें बनने वाला ई एम एफ भी बदलेगा। शुरू में बी मैक्सिमम तो ई एम एफ मैक्सिमम, फिर बी घटने लगा तो ई एम एफ घटने लगा, फिर बी नेगेटिव हो गया तो ई एम एफ नेगेटिव हो गया। ऐसे इस कंडक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, पहले नेगेटिव में मैक्सिमम था तो ई एम एफ नेगेटिव में मैक्सिमम। अब बी जो है धीरे धीरे जीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये कंडक्टर जो है ना लेफ्ट चल रहे हैं। लेफ्ट कैसे बोल रहा हूं, देखो थीटा मैंने ऐसे लिया है ना क्लॉकवाइज,
कंडक्टर चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो थीटा अगर आगे जा रहा है तो कंडक्टर चल रहे हैं पीछे। तो मैंने बोला पहले नेगेटिव में मैक्सिमम था, फिर घटते घटते जीरो पे आया, फिर पॉजिटिव में मैक्सिमम गया। तो कोई भी कॉइल साइड का ईएमएफ जो है बी वाले वेरिएशन को ही फॉलो करता है। अगला पॉइंट लिखना, द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डबल द ईएमएफ ऑफ ईच कॉइल साइड, इज डबल द ईएमएफ ऑफ ईच कॉइल साइड। अब हम ये जानते हैं B है BM cos theta, अब EA A dash ये है 2EA और EA किसका फंक्शन बन रहा है, cos theta जैसे ही बन रहा है ना EA भी, लेकिन किसके अगेंस्ट है ये, ओमेगा T के। theta नहीं लिखोगे इसमें, क्या लिखना पड़ेगा, ओमेगा T। अब मेरी बात को समझना, मैंने सिर्फ क्या किया है, मैंने बोला है ईएमएफ होता है मोशनल ईएमएफ होता है बी एल वी, बी जो है बीएम कॉस थीटा था इनटू एल वी कर दिया, बट ईएमएफ में थीटा नहीं आता, ईएमएफ में क्या आता है ओमेगा टी, तो ओमेगा टी लगा दिया। लेकिन अब ये भी ध्यान रखना कि एक कॉइल में एन टर्न्स होते हैं तो इसको एन से मल्टीप्लाई करें, बी एल वी जो होता है ना वो ईएमएफ एक कंडक्टर का होता है, बट जब ऐसे n टर्न्स आ जाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, n से। तो एक पॉइंट ये भी लिख लो, BLV रिप्रेजेंट्स EMF ऑफ ईच टर्न, सॉरी EMF ऑफ ईच कंडक्टर, सो वी हैव टू कंसीडर अ फैक्टर ऑफ n वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, n इज द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। अब देखो क्या होगा, 2BM LVN cos omega t। अब ये V क्या है, ये velocity है, लेकिन velocity मुझे किस में पता है, RPM में पता है या radian per second में पता है अगर, तो मैं क्या करता हूं, ये velocity ना मुझे mechanical में लानी है। अब मैं कहता हूं velocity क्या होती है, R into omega होती है, ये ध्यान रखना ये mechanical speed है, स्पीड ऑफ मोशन आर ओमेगा होती है, ये आर इंटू ओमेगा इलेक्ट्रिकल इंटू टू बाय पी होती है, आर टू आर हो जाएगा डी, ओमेगा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा टू पाई एफ। अगर ये वैल्यू पुट कर दी जाए, टू डी एम एल डी बाय पी इंटू टू पाई एफ एन कॉस ओमेगा टी। अब अभी हमने ये डिराइव किया था पिछली डेरिवेशन में कि 2 बी एम डी एल बाय पी होता है फाइव एम, ठीक है। अब अगर ई एम एफ की आर एम एस वैल्यू चाहिए तो इसको रूट टू से डिवाइड करोगे सेम आ जाएगा, तो सेम एक्सप्रेशन हम मोशनल ईएमएफ से भी डिराइव कर सकते थे मोशनल ईएमएफ में। लेकिन देखो ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर तुम बी का वेरिएशन प्लॉट कर चुके हो थीटा के अगेंस्ट, तो तुम क्या बोलोगे कि जब कंडक्टर या कॉइल साइड मूव करती है तो जैसा जैसा वेरिएशन वो बी में देखती है वैसा ही वेरिएशन उसके अंदर बनने वाले ईएमएफ में भी आता है, ठीक है। वैसा ही वेरिएशन अगर ईएमएफ में भी आएगा तो ईएमएफ लिखा जाता है बी एल वी, तो B का जो वेरिएशन थीटा के अगेंस्ट है सेम वेरिएशन EMF का आता है, लेकिन किसके अगेंस्ट, ओमेगा T के अगेंस्ट। तो EMF की इक्वेशन हमें याद रखनी है 4.44 FN phi, और क्या याद रखना है कि कॉइल्स को 120 डिग्री पे रखने से EMF में भी 120 डिग्री का शिफ्ट आता है। और चाहो तो देखो यहां अदर कॉइल्स भी दिखा सकते हो, जैसे B है, B डैश इससे 180 डिग्री बाद होगी यानी 300, ये B डैश है, C वाली 240 पे आएगी, C और C डैश वाली कितने पे आ जाएगी, 60 पे आ जाएगी C डैश। तो हर कॉइल पीछे की तरफ मूव कर रही होगी, उसके हिसाब से B का ग्राफ अगर शुरू से ट्रेस कर लोगे तो हर कॉइल का EMF बना सकते हो। मेरी बात क्लियर है।
लेकिन जो कॉइल जहां से शुरू हो रही है वहीं से बी को ट्रेस करना स्टार्ट करोगे। जैसे ए वाली मैक्सिमम पे थी फिर पीछे गई तो मैंने ये वाला कर्व ट्रेस किया, ए डैश वाली नीचे थी पीछे गई तो मैंने ये वाला कर्व ट्रेस किया। तो ए में तो देखो मैक्सिमम से शुरू हुआ और ए डैश में नेगेटिव मैक्सिमम से। ऐसे ही देखो अगर बी में शुरू होगा तो नेगेटिव से शुरू करोगे और किस तरफ जाओगे, लेफ्ट में। सी में शुरू करोगे तो यहां से शुरू करोगे और किस तरफ जाओगे, लेफ्ट में। तो किसी भी कॉइल का ईएमएफ या किसी भी कॉइल साइड का ईएमएफ बनाना है तो जो वेरिएशन बी का चल रहा है सेम वेरिएशन किसमें चलता है, ईएमएफ के अंदर। मेरी बात क्लियर है? इसीलिए हम बोल देते हैं अगर फ्लक्स डेंसिटी साइनोसोइडल होगी तभी ईएमएफ भी साइनोसोइडल हो सकता है। तो अगर मैं इस लेक्चर को समराइज करता हूं, हमने क्या क्या सीखा। ईएमएफ की वैल्यू आती है 4.44 FN5, ठीक है, ये हमारा ईएमएफ आता है। इसके बाद हमने ये देखा कि तीनों कॉइल्स को 120 डिग्री पे रखने से उनके ईएमएफ में भी कितना शिफ्ट आता है, दैट इज 120 डिग्री। इसके अलावा हमने क्या देखा कि जो हमारा रोटर है उसको हम स्टेशनरी मानते हैं और कॉइल्स को रोटेटिंग मान करके फिर ईएमएफ डिराइव किया जाता है। इसके अलावा मैंने बताया कि जो फेज सीक्वेंस आएगा ईएमएफ का वो डिपेंड करता है रोटर की रोटेशन पे। अगर ये एक डायरेक्शन में घूमता है तो पॉजिटिव सीक्वेंस बनता है और उल्टा घूमता है तो नेगेटिव सीक्वेंस बनता है। तो दैट इज एंटायरली डिपेंडेंट ऑन रोटर रोटेशन। फिर मैंने बताया कोई फॉल्ट भी आ जाने से जब तक रोटर रोटेशन रिवर्स नहीं करोगे तब तक फेज सीक्वेंस रिवर्स नहीं होता और ईएमएफ सिंक्रोनस मशीन में हमेशा ही बैलेंस बनता है, दैट इज नेवर अनबैलेंस्ड। तो ये सारे पॉइंट्स हमें याद रहने चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। तो अब मैंने सिंक्रोनस मशीन के अंदर क्या बताया कि जनरेटर में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है। अच्छा देखो, इसके बाद मैं एक बात और तुम्हें बताने वाला था जो कि था स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब एक चीज समझो, रोटर के जो पोल्स है ना वो फिक्स है, पोल्स फिक्स है माने उसके अंदर डीसी करंट फ्लो कर रहा है, तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड बदल नहीं सकती है। खुद समझो, अगर रोटर की मैग्नेटिक फील्ड इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो नॉर्थ और साउथ फिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता ये साउथ हो जाए और ये नॉर्थ हो जाए क्योंकि इसके अंदर करंट कॉन्स्टेंट फ्लो कर रहा है। तो रोटर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तब घूमता है जब रोटर खुद घूमे। एक परमानेंट मैग्नेट ले आओ, जैसे मान लो ये परमानेंट मैग्नेट है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज थोड़ी हो सकती है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट तब करेगी जब ये मैग्नेट खुद रोटेट करे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लिख लेना, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रोटर cannot rotate until the rotor itself rotates. रोटर को ऐसा मानो एक परमानेंट मैग्नेट है, तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड तभी घूम सकते हैं जब रोटर खुद घूमे, ठीक है। अगला पॉइंट, as the rotor rotates it cuts the stator conductors and induces an EMF which is balanced इन थ्री फेज स्टेटर वाइंडिंग। बात क्लियर हुई? रोटर जब घूमेगा पहले ए में मैक्सिमम आया था फिर बी में फिर सी में, तो ये बैलेंस्ड ईएमएफ बना देगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द स्टेटर सप्लाइज अ लोड दिस ईएमएफ कॉजेस बैलेंस्ड करेंट्स इन स्टेटर वाइंडिंग। तो अगर लोड कनेक्टेड होगा वाइंडिंग से तो ईएमएफ आने से करेंट भी बनेगा। अगला पॉइंट, द थ्री फेज करंट इन द रोटर वाइंडिंग प्रोड्यूस इन द स्टेटर वाइंडिंग प्रोड्यूसेस अ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड दैट रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड तो अब स्टेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है स्टेटर के करंट की वजह से वो कितनी स्पीड से घूम रही है, एनएस से, और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड तब घूमेगी जब रोटर खुद घूमे। तो अगला पॉइंट लिखना, फॉर टॉर्क प्रोडक्शन बोथ मैग्नेटिक फील्ड शुड बी स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर एंड हेंस बोथ मस्ट रोटेट एट सेम स्पीड, सो स्टेटर एंड रोटर मैग्नेटिक फील्ड शुड रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड एंड फॉर दैट द रोटर शुड ऑल्सो रोटेट
एट सिंक्रोनस स्पीड। भाई रोटर की मैग्नेटिक फील्ड तभी घूमेगी जब रोटर घूमे, तो रोटर की मैग्नेटिक फील्ड को अगर एनएस से घूमना है तो रोटर को भी कितने से घूमना पड़ेगा, एनएस से। तो ये कंडीशन आती है और इसीलिए इस मशीन को सिंक्रोनस कहते हैं, क्योंकि यहाँ रोटर और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ घूमते हैं, दोनों की स्पीड सेम होती है। तो तुम समझ सकते हो इंडक्शन मशीन या एसिंक्रोनस मशीन में क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड और रोटर एक साथ नहीं घूमेंगे, ठीक है, दोनों अलग अलग स्पीड से घूमेंगे। तो एसिंक्रोनस, मैग्नेटिक फील्ड और रोटर एक साथ घूमते हैं तो सिंक्रोनस। बात क्लियर हुई? रोटर एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा जिसके पोल्स चेंज नहीं हो सकते, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तभी घूमेगी जब ये रोटर घूमे। और स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड कितने से घूम रही है, एनएस से, इसीलिए रोटर को भी एनएस से घूमना पड़ेगा, तभी उसकी मैग्नेटिक फील्ड एनएस से घूम पाएगी, ठीक है। तो ये एक जनरेटर की वर्किंग होती है, जो कि मैंने तुम्हें समझाया कि कैसे पहले पोल्स आते हैं, इसको घुमाते हैं, जिससे ईएमएफ बनता है, उससे करंट बनता है, करंट से इसकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है स्टेटर की, जो कितनी स्पीड से घूमती है, एनएस, और उसको कैच करने के लिए रोटर भी कितनी स्पीड से घूमता है, एनएस, तभी स्टेटर और रोटर की मैग्नेटिक फील्ड सेम स्पीड पे घूमते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बस एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, 4.44 FN5, इसको भी आगे चल के मॉडिफाई करेंगे। और कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने काफी सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए फॉर द केस ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। तो आगे भी अभी हम आने वाले लेक्चर्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ की ही बात करेंगे, बट अलग अलग केसेस को लेकर के, जैसे शॉर्ट पिचिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये सारी वाइंडिंग्स को कंसीडर करके। इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसमें जो चीजें क्लियर नहीं हुई है तो इस लेक्चर को भले ही मल्टीपल टाइम्स देखो, लेकिन उन चीजों को समझना जरूरी है अगर मशीन्स की नॉलेज गेन करना चाहते हो कि कैसे ये मशीन काम कर रही है, कैसे सिंक्रोनस में ईएमएफ बन रहा है। ये चीजें समझ लोगे तो सिंक्रोनस का ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।